So second law of thermodynamics we have to start, right? Second law of thermodynamics. एक टफ टॉपिक है ये. फर्स्ट लॉ तो थोड़ा इजी था, सेकंड लॉ में थोड़ा सा एंट्रोपी प्रॉब्लमेटिक होता है. इस पे ज्यादा ध्यान देना, एंट्रोपी पे. इसमें सबको डाउट रह जाता, तो इसको रोज रिवाइज करना होगा. इस पे क्वेश्चंस और जितने हो सकते हैं करने होंगे, तब से होगा. कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इन टू वर्क इज नॉट पॉसिबल. थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर प्लान करेंगे बाद में. लेक्चर एक बार हो जाए हीट इंजन. कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल. मतलब वर्क 100% वर्क को हीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 100% जो हीट है उससे 100% वर्क नहीं ले सकते हैं. जैसे 5 जूल में हीट दू तो 5 जूल वर्क नहीं करा सकता. कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो 5 जूल हीट दे दे तो 5 जूल वर्क कर गए. 5 जूल वर्क है तो वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी मानते हैं, वो हाई ग्रेड का है. 5 जूल है तो उससे कुछ भी कर लो, 5 जूल हीट बना दो, बट 5 जूल हीट से 5 जूल वर्क नहीं कर सकते हम लोग. होता क्या है, जैसे ये हो गया हाई टेम्परेचर सोर्स, हाई टेम्परेचर बॉडी T2, ये क्या हो गया सोर्स. और यहाँ पे एक लो टेम्परेचर बॉडी है, हीट तो फ्लो ही होगा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बीच में. तो एक लो टेम्परेचर बॉडी है T1 पे, वो सिंक हो गया इसमें. तो जो हीट फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा ऐसे. और बीच में क्या हो गया, हीट इंजन. और ये यहां से आएगा, यहां से Q2 हीट गया. Q2 मान लो 100 जूल भेजोगे हीट फ्लो, हीट इंजन उसी में से कुछ एब्जॉर्ब करेगा, रेस्ट तो बाहर जाना ही है. हीट फ्लो कर रहा है उसके बीच से हीट इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, अतः वो वर्क डन करेगा. यही है ना, W किया. तो यही इसका यह है कि Q1 जीरो नहीं हो सकता, एंड Q1 इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ये दो पॉसिबल नहीं है कि Q1 जीरो हो जाए, लो बॉडी टेम्परेचर सिंक को दे दो सब. इतना लेट क्यों आ रहे हैं वाणी सार्थक. देखो हीट जो Q1 होगा वो जीरो नहीं हो सकता, T1 जीरो नहीं होता है ना. T1 नहीं मतलब T1 क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इसकी बात ये हटा दो. हीट जीरो नहीं होगा है ना, Q1 जीरो नहीं होगा मतलब हीट कुछ ना कुछ जाएगा ही जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीट पास ना करे. कोई भी हीट इंजन एब्जॉर्ब करेगा तो कब एब्जॉर्ब करेगा, जब एक हाई टेम्परेचर जो से लो टेम्परेचर जोन की ओर हीट फ्लो कर रहा है. अब लो टेम्परेचर जोन ही नहीं है तो हीट कैसे फ्लो करेगा, हीट फ्लो करना जरूरी होता है. हाँ तो Q2 गया, Q1 इधर गया, अब वो हीट इंजन हो गया. जैसा कि मान लो कार का इंजन ले लो, उसको हीट दे रहे हो तो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, मैकेनिकल मोशन कर रहा है ना, आगे जा रहा है. उसमें कंबसन करते हैं तो हीट जनरेट होता है, तो हीट अब्सॉर्ब करेगा, उसी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में. एफिशिएंसी ऑफ द वर्क कितना होगा, कितना परसेंट एफिशिएंस हो गया सिस्टम अपना, सोचो एफिशिएंसी ऑफ द वर्क. सबका कुछ कंफ्यूजन था क्या आज का लेक्चर का, कि 10 o'clock लग रहा था क्या, क्योंकि सार्थक अंशुल तुम लोग थोड़ा लेट आए हो, वाणी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना होगा, नेट वर्क डन बाय द हीट इंजन. वर्क डन कितना करेगा, तुमने Q2 भेजा, मान लो तुमने 100 जूल भेजा बट 30 जूल यहाँ आ गया, या 200 जूल भेजा 300 जूल इधर गया, तो रेस्ट 180 कितना हो गया, 170 जूल वो वर्क कर रहेगा. तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 200 जूल इधर से जा रहा था, 30 जूल तो सिंक में गया, वो तो जाना ही था, और रेस्ट 170 दिया. हाँ तो 170 आउट ऑफ 200, 80
35%। हाँ गुड, यही हो गया ना, नेट कितना हो गया, इक्वल टू, यहाँ लिख ही नहीं सकते, नो स्पेस, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन उसको एटा से बोलेंगे, वो दैट इज नेट वर्क डन बाय हीट इंजन, कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द हीट इंजन। ये होगा क्यू टू माइनस क्यू वन बाय क्यू टू, क्यू टू माइनस क्यू वन बाय क्यू टू, इस तरह से ये आ जाएगा, टेम्परेचर के रोल में आएगा, कैसे आएगा उसको बाद में देखते हैं, ये डेरिवेशन है पूरा, ये आ जाएगा टी टू माइनस क्यू वन बाई टी टू, ये डेरिवेशन में आ जाएगा। क्यू टू माइनस क्यू वन बताया था कि क्यू टू जैसे बताया था ना कि हाँ ये 200 जूल जा रहा है, तो ये क्यू टू हो गया, क्यू वन हो गया कि 30 जूल वो बाहर चला गया, रेस्ट डिफरेंस क्या हो गया 170 आउट ऑफ टोटल 200 इंटू 100, जो तुमने बोला 85%। हाँ तो क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू, और वो बाद में डिराइव करेंगे कि आ जाएगा टी टू माइनस टी वन बाई टी टू, यही होगा। तो परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू, परसेंट की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, टी टू माइनस टी वन बाई टी टू इंटू 100%, और एक होगा क्यू टू माइनस क्यू वन बाई क्यू टू इंटू 100%। अब रेफ्रिजरेटर है, देन रिवर्स ऑल एरोस, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल इसका उल्टा होगा, मार्गो वारेन सब, सर जी के बच्चे लेट हो रहे हैं, क्या हुआ आज का, कुछ कंफ्यूजन था क्या लेक्चर का, सिद्धि सार्थक भार्गव आर्यन इतना लेट क्यों हो रहा है तुम लोगों आज सबका, 10 o'clock का लेक्चर लगा था क्या तुम लोगों वेडनेसडे, ओके सार्थक इज ट्रैवलिंग समवेयर राइट, और बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था सिद्धि, आर्यन अच्छा तुमसे प्रॉब्लम था, आंसर भी लेट आया था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। रेफ्रिजरेटर होगा तो ऑल एरो उल्टा होगा, रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेटर तो हीट भेजता है किधर से, अंदर से हीट बाहर निकालेगा ना वो, तो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी किधर भेजता है, रेफ्रिजरेटर में जाओगे तो पीछे साइड में हीट रेडिएट करता है वो, तो अंदर ऑलरेडी ठंडा है, वहां से हीट निकाल निकाल के बाहर भेजता है, तभी तो ठंडा होता जाता ना, और हाँ तो हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा हो गया राइट, तो सारे एरोज बस अपोजिट हो जाएंगे, एटा ETA एटा, एटा इज द व्हाट सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ओके मार्क्स 36 इन मेंस 14 एडवांस, अच्छा मार्क्स तो पूछा ही नहीं इस बार, तो भी टाइम नहीं है, बट जल्दी से क्विकली मुझे मार्क्स बता दो केमिस्ट्री में, तुम लोगों ने अच्छा किया ना इस बार सबने, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा रिविजन किया था इस बार, सिलेबस डेढ़ वीक पहले खत्म करके रिवीजन ही रिवीजन चलते रह गया था, तो आई एक्सपेक्ट कि सबका मार्क्स अच्छा आया होगा। 67 इन मेंस अनुष्का, 72 आर्यन, शुभम 1880, श्रेयस 75, अक्षत 68, श्रेयस अच्छा दो श्रेयस है,
80 मार्क्स, हाँ तुमने पहले ही बताया। ओके वल्लभ 82, ओके शॉनिस 61, सार्थक मेंस में अच्छा गया था बट नॉट इन एडवांस। कितना आया था सार्थक? यश हाँ 80 इन मेंस, वसुधा 85 इन मेंस। सेवेंटी फाइव सिद्धांत, प्रणय 73, ओके 475 इन मेंस एंड 210 इन एडवांस। फोर सेवेंटी फाइव इन मेंस एंड 210 इन एडवांस, ओके श्रेयस। सार्थक मेंस में 180 बट एडवांस में 32 ही आ पाया था। ये मैंने बोला था थर्मो में एडवांस में वो कहीं भी घुमा सकते हैं, ऐसे हो जाता है। वन जीरो वन एडवांस, चलो सबने अच्छा किया ना। हाँ इसका इफेक्ट जानते हो क्या हुआ ऐसा? क्योंकि सिलेबस 3 लेक्चर पहले हुआ था, 3 लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे इधर उधर के, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए थे, है ना। तो एक ही चीज समझो, पूरे आईटी के एग्जाम के लिए तुम्हें क्वेश्चन ही ज्यादा करना है। कई बच्चे बैठ के थियरी पढ़ते हैं बहुत, उससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, तुम्हें मार्क्स मिलते रहेंगे। ये सीखो इस एग्जाम से, है ना। इसीलिए मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, वही क्लियर करता है। हाँ अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए तो सही होता है। ठीक है चलो, तो मतलब जितना हो सकता है बुक तुम्हें जो भी मिले उसको सॉल्व कर लो। कोई भी न्यू क्वेश्चन तुमसे बचना नहीं चाहिए, बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आईटी में तुम्हारा हो ही जाएगा, सब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स बता रहा हूँ सर, 475 इन मेंस, ये क्या है, एंड 210 इन एडवांस। मेंस कितने मार्क्स का था? और रैंक 475 रैंक इन मेंस, मैं भी कंफ्यूज हो गया। एंड 210 इन एडवांस, यस। रैंक तो थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था, तब होगा। क्यूमुलेटिव था क्या? नहीं ऐसा तो नहीं था। भार्गव 300 रैंक, मार्क्स तो अच्छा लेकर आए तुम लोग, रैंक क्यों इतना है? 300 400, वो लव 100 रैंक, भार्गो 300 मार्क्स। अरे 300 मार्क्स किसमें है भार्गो? अच्छा क्यूमुलेटिव टेस्ट था। हाँ टोटल 300 मार्क्स इन मेंस, तो मेंस इस बार कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स का नहीं था क्या? 360 था टोटल, 300 मार्क्स। अच्छा आउट ऑफ 300 जो था, ठीक है। 87 रैंक इन मेंस, अभी ये शुभम ठीक है। मेंस एडवांस 100 के अंदर रैंक आता है तो बेटर हो। मेंस 71 रैंक, श्रेयस हाँ ठीक है। एडवांस 124, हाँ 300 का ही था ना, ओके। मैथ्स वाज बिट हार्डर, मैथ ऑलवेज हार्ड होता है, बट ये याद रखना मैथ्स रैंक डिसाइडर है। इसने मैथ्स पे कंट्रोल किया है ना, वही टॉप रैंक में आता है। और मैथ्स पे कंट्रोल मतलब ज्यादा आवर्स इसका। अभी केमिस्ट्री कितने देर में हो रहा है सबका, ये भी बता दो। 45 मिनट में होना स्टार्ट हुआ, सो हम 40 मिनट्स, आदित्य 50 मिनट्स, यस 40 मिनट्स, यस 35 मिनट्स, यस 40 45 मिनट, 50 मिनट्स। शॉनिस ठीक है, आर्यन 45 50 मिनट्स, वल्लभ 40 मिनट, हाँ ठीक है। तुम लोग अब ट्रैक पे आ गए हो, 40 45 ले रहे हो ना। कोशिश करो केमिस्ट्री आधे घंटे में ही खत्म करें। दास से बात हुई होगी तो उसने बताया होगा कि 20 मिनट्स में बाद में खत्म होने लगा था, अभी लग रहा होगा है ना।
अभी लग रहा होगा, बाद में इसको स्पीड उसका भी यही था, अभी अभी के टाइम पे हिमालय में 40-45 मिनट लगेगा, ऑर्गेनिक आएगा तो और फास्ट हो जाएगा, अभी फिजिकल में बहुत फास्ट करोगे तो अभी नहीं हो पाएगा, 40 मिनट तो लग ही जाएंगे, 40 से कम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा जा रहा तुम्हारा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन से 40 मिनट मतलब बहुत अच्छा स्पीड है, बहुत हाईली अप्रिशिएटेड स्पीड। सारे आईटीएन सभी उतना ही ले रहे होंगे, 40 to 45 मिनट्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आएगा तब जाके टाइम तुम्हारा 20-25 मिनट तक आ जाएगा। हाँ, 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पहले तो केमिस्ट्री भी तुम लोग का 1.25 घंटा चल जाता होगा कई बार, अब 1 घंटे तक के अंदर ले आओ, 45 मिनट्स 1 घंटे के अंदर। ठीक है चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे, इतना तक तो हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि हीट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट फ्लो करे, उसके लिए तुम्हें रेफ्रिजरेटर की जरूरत है, हीट पंप की जरूरत है, एयर कंडीशनर की जरूरत है। वो क्या करता है, ठंडा है उसको और ठंडा बनाता है, उधर से उधर भेजता है वो, तो जब तक कोई इंजन ना लगा हो तब तक हीट इधर से उल्टा जा ही नहीं सकता, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ही जाएगा। अब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट जा रहा है तो उसको पकड़ के कुछ वर्क कर लो, तो वो हीट इंजन हो गया, उससे कार चला लो, ट्रेन चला लो, फ्लाइट चल जाएगी, यही होता है, यही है ना, ये कंसेप्ट हो गया ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके नेम से ही मालूम चल रहा है, जो अपने आप हो, अपने आप हो, अपने आप होने का मतलब ये नहीं कि जैसे हो सकता है कि कुछ इनिशिएशन देना पड़े, एक बार इनिशिएट कर दो उसके बाद अपने आप हो, या खुद से भी अपने आप हो, जैसे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या हो, इवेपोरेशन क्या होता है, अपने आप होता है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इवेपोरेट करती जाएंगी चीजें, सामने रखोगे, यही होगा ना। और कुछ होता है जैसे इवेपोरेशन में, वो मतलब वाटर रखो, वेपर अपने आप बाहर आएगा, उसको हीट करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के बाद आओगे तो पानी गायब हो जाएगा, सारे इवेपोरेटेड, यही है ना। हाँ, बर्निंग है, जैसे कोल को बर्न करना है तो कोल अपने आप बर्न नहीं होगा, थोड़ा इनिशिएट कर दो फिर तो हो रहा है ना अपने आप। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जिसको थोड़ा इनिशिएट कर दो होते रहे, कोयले को थोड़ा जला दो अपने आप जलते रहेगा, क्रैकर्स अपने आप एक्सप्लोड नहीं होगा, ये नहीं होगा कि क्रैकर लिया एक्सप्लोड हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा इग्नाइट करोगे, इग्नाइट करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 करके थोड़ा आगे का पार्ट इग्नाइट होगा, वो एनर्जी अगले वाले को देगा, वो एनर्जी अगले वाले को देगा, धीरे धीरे पूरा बर्न हो जाएगा, बट होता रहा अपने आप ना, तुमने सिर्फ इनिशिएट किया है, मतलब जिसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो अपने आप होता है मोस्टली। अब इवेपोरेशन तो तुम्हें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, H2O लिक्विड से H2O गैस जा रहा था, एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है, फिर भी होता है ना प्रोसेस। हाँ, तो मोस्टली जो एक्सोथर्मिक है वो अपने आप होते हैं, बट हो सकता है कि थोड़ा एनर्जी देना पड़े, जैसे क्रैकर का बस्ट करना, थोड़ा एनर्जी दोगे अपने आप होगा, ये मतलब उसको इनिशिएट करो उसके बाद वो तुम्हें एनर्जी देगा। हाँ, बट जिसमें कंटिन्यूअस एनर्जी देना पड़े तब हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे फैन को चलाओ, फैन को थोड़ा चला के छोड़ दो तो अपने आप नहीं चलेगा, फैन अपने आप चलेगा क्या, नहीं चलेगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक चलेगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। किसी भी जैसे वाटर को ऊपर चढ़ाना है, पानी को ऊपर चढ़ाओगे तब तो टंकी में जाता है ना, ऊपर टैंक में यदि भेजना है वाटर को तो कंटिन्यूअस तुम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तभी ऊपर टैंक में पानी जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे नीचे आए, यही है ना। वाटर का फ्लो, वाटर ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस में आता है ऊपर से। हाँ 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट टाइम दो मुझे।
ओके okay. हाँ मुझे ये बताओ कि आज कितने लेक्चर है, क्या है? इवनिंग में मैं फ्री हूँ। आज कितने लेक्चर है तुम लोग का, कब से कब है? अच्छा जी 12 to 1:30। अरे मजा आ गया, तब तो हो गया आज काम अपना। लेक्चर बहुत सारे चाहिए मुझे क्योंकि इसका सिलेबस आई है बहुत ज्यादा। तो ओनली वन लेक्चर 12 to 1:30 है ना? इवनिंग में 6 o'clock से रखे क्या, 6 to 7:30? ठीक है, इवनिंग में नहीं 6 to 8 रखते हैं, एक ही लेक्चर है ना, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। कल का जो मिस हुआ तो आज ही ले लेता हूँ। वो कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं बाहर था, 3 दिन से तो हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी आया घर। तो ठीक है, अभी आज 6 to 8 रखते हैं और उसके बाद देखते हैं सैटरडे संडे में क्या करना है, बट एक्स्ट्रा लेक्चर ज्यादा जाएंगे इस पर बहुत। बोर्ड के हैं क्या, बोर्ड के लेक्चर है, कब से? बोर्ड के लेक्चर कब से है? 12 to 1:30 नहीं है सार्थक, कब है फिर? नो लेक्चर इन सर, फ्री आफ्टर 2:12 तक ऐसा भी है। हाँ शादी है, सार्थक बोल रहा नहीं है। 7 से 8 बोर्ड लेक्चर, ओके तो उससे पहले करना होगा मुझे। 5 to 7 आदित्य, हाँ ठीक है चलेगा, तो 5 to 7 रखते हैं। ओके नो बोर्ड लेक्चर, बोर्ड लेक्चर नहीं है। नित्या वसुधा, टुडे नो बोर्ड लेक्चर, कंफर्म करो तुम लोग, बोर्ड लेक्चर नहीं है आज? एवरीवन इज सेइंग नो बोर्ड लेक्चर, नो बोर्ड लेक्चर। ठीक है 5 to 7 ही रखते हैं, रहे चाहे ना रहे, 5 to 7 इज कंफर्टेबल ना, कि 6 to 8 तुम लोग बता दो, मैक्सिमम वोट जिसमें होगा वही रखूंगा, 6 to 8 की 5 to 7, 6 to 8, 6 to 8, 5 to 7, 5 to 7, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8, 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7, 5 to 6 to 8, 5 to 7, 5 to 7 ज्यादा है। ठीक है 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7, 6 to 8, 5 to 7, 6 to 8, 6 to 8, 5 to 7, 6 to 8, 5 to 7, 5 to 7 ज्यादा है। ठीक है 5 to 7 रखें। ओके हाँ चलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चलो तो कल का लेक्चर तो बैलेंस हो गया, अभी कल का बैलेंस हो गया, इसके अलावा एक्स्ट्रा लेना है मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया, समझ में आ गया ना? एक बार स्टार्ट कर दो अपने आप होते रहेगा, जिसमें भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, जैसे मिक्सी चला रहे हो, फैन चला रहे हो, एयर कंडीशनर चला रहे हो, सब में जब तक इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी दोगे तो ही होगा। और इसमें क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस बाई इट्स ओन, इट मे रिक्वायर सम इनिशिएशन, यू मे इट मे बी नीडेड टू गिव सम इनिशिएशन। सोडियम बर्निंग स्पॉन्टेनियस, हाँ कोई भी बर्निंग स्पॉन्टेनियस, उसको बंद करके छोड़ दे अपने आप होते रहेगा, वो खुद समझो कि एक बार इनिशिएट कर दिया अपने आप हो रहा है मतलब ठीक है चलेगा, या इनिशिएट नहीं किया तो भी अपने आप हो, जैसे आइस को ले आओ, आइस को मेल्ट करना तो वो स्पॉन्टेनियस है, छोड़ दो तुम्हें कुछ नहीं करना अपने आप होगा, या तो अपने आप हो जाए या तुम थोड़ा इनिशिएट कर दो हो जाए। मान लो कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी लो पे जाती है, तो तुम्हें बस इतना ही करना होगा ना, थोड़ा धक्का देना, थोड़ा धक्का देना होगा। कोई भी है जिसको ऊपर से नीचे जाना है तो तुम हल्का पुश करोगे, उसके बाद तो अपने आप जाएगा, तुम्हारा रोल नहीं है ना। हाँ तो जिसमें कंटिन्यूअस तुम्हें एनर्जी देना पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इलेबरेट करना है तो तुम जब तक फोर्स लगाओगे तब तक होगा, अपने आप नहीं जाने वाला, छोड़ोगे वापस आ जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जहां पे तुम कंटिन्यूअस वर्क करते रह जाओ तब होते रहे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तुम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, हीट कर रहा है, कार तब तक चलेगा जब तक हीट बर्न हो रहा है, यही हो रहा है ना, जब तक वो पेट्रोल है बर्न हो रहा है तब तक चलेगा, तो सब नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ वसुधा बोलो। सर आई हैड दिस डाउट, यू सेड दैट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टू अकर देयर शुड बी नथिंग गोइंग ऑन लाइक हीट और इलेक्ट्रिसिटी शुडंट बी सप्लाइड, जस्ट वी हैव टू इनिशिएट इट राइट, सो फॉर बर्निंग द एयर सप्लाई हैज टू बी देयर, सो इज दैट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आई एम कंफ्यूज्ड। No, all necessary conditions are present. Only if carbon is there, even if you try to ignite it,
and oxygen is not present, so it will not burn. All conditions are there, and then that process will happen or not. Okay. Thank right. You. Whether you need to initiate or not, you have to check. Spontaneous process kya hoga? The process which takes place by itself. खुद से हो इट मे रिक्वायर इनिशिएशन. ये हो सकता है कि तुम्हारे ओर से थोड़ा इनिशिएशन हो जाए तो स्पॉन्टेनियस है. देखो ये दो तरह के बच्चे होते हैं. एक ये होते हैं जो जो पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, हर इंडस्ट्री को. वो जस्ट पैसे पे करते हैं, भाग जाते हैं. वो जिम में पैसे पे करेंगे, जिम नहीं जाएंगे, है ना. कहीं कोचिंग ज्वाइन करेंगे, पैसे पे करेंगे, कोचिंग में नहीं जाएंगे. तो हर एक वो चीज जहां पे उनसे पेरेंट्स के प्रेशर से वो करेंगे, वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. उनको पढ़ाना नॉन स्पॉन्टेनियस है. कैसे? जब तक पेरेंट्स से पढ़ना है, जब पेरेंट्स के गैप. और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाले बच्चे होते हैं, वही आईआईटी होते हैं, वही आईआईटी क्रैक करते हैं. कैसे? हम लोग इनिशिएट करते हैं. टीचर का रोल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 1% होता है. तुम्हें बाद में समझ में आएगा, हम लोग का रोल 1% से ज्यादा है ही नहीं. 99% बच्चे के ऊपर है कि घर पे कितना मेहनत कर रहा है ना. मैंने तो जस्ट पढ़ाया एक कंसेप्ट. अब वो घर पे बैठेगा, तुम लोग बैठते हो, पढ़ते हो, दिमाग में डालते हो, चारों ओर फिट करते हो, अपने कोने में इमेजिनेशन करते हो, तो तुम असली काम कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो. मैंने तो कॉमनली एक छोटी सी चीज बता दी सबको. कहीं भी पढ़ोगे तो वही होगा. टीचर रोल इज ओनली 1%. 99% इज स्टूडेंट का खुद का रोल होता है, वो जो खुद पढ़ता है ना. बट वो 99% इज डिराइव्ड बाय 1%. ये टीचर अच्छे होंगे जो उन्होंने 1% में पढ़ा है, उसी पे बच्चा 99% मेहनत कर सकता है. ऐसा होता है. तो जो अच्छे बच्चे होते हैं जो आईटी में जाते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. उनको सिर्फ इनिशिएशन चाहिए. मैंने पढ़ा दिया और वो बाकी पढ़ जाएंगे. वो अपने आप, जैसे दास को मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तब तक वो पूरा आरसीएम का सॉल्व देख जाएगा. जब तक चैप्टर ओवर होगा तब तक बुकलेट खत्म हो गया. थोड़े दिन बाद आओगे तो अवस्थी खत्म हो गया. थोड़े दिन बाद और भी जो बुक थे, जितने लोगों का डाउट था वो भी कर गया, तो सब करके बैठ गया. तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. एक इनिशिएशन चाहिए कि बस वहां सेंटर पे आ रहा है, उतना ही बहुत कर रहा है. बाकी तो खुद भी सेल्फ सफिशिएंट है, पढ़ ले. या तुम लोग बहुत सारे बच्चे होंगे, जब नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के बैठ गए हैं, अपने आप से पढ़ के बैठ गए. मेरे समय और कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और शार्प कर रहे हैं. वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. तो उनके लिए पढ़ाना हम लोग का प्रिविलेज होता है. हम लोग को कुछ नहीं करना, वो खुद ही आए हैं आईटी बनने के लिए. उनको तो बनना ही है. जो रोज 8 घंटे मेहनत कर रहा है घर पर, वो तो बनेगा ही बनेगा ना. अनन स्पॉन्टेनियस कौन से होंगे? जो एक बार यहाँ पर पढ़ा दिया, पेरेंट्स से तो पढ़ना है, नहीं तो तुरंत यूट्यूब पे कुछ और आ गए देखना, या तुरंत खेलने चले गए, या कहीं और ध्यान भटक गए, या कुछ और बैठ के सोच रहे हैं, अलग अलग सपने बुने जा रहे हैं. वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस है. पेरेंटल प्रेशर से पढ़ते हैं तो उधर ही रहते हैं. क्लियर हुआ? अब ये नहीं बोल, मैं बोल सकता कि सर जी मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन सर जी मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस. ऐसा नहीं. बच्चे किसी भी बैच से कहीं से भी आते हैं और किसी भी रैंक पे आते हैं. सर जी सिर्फ इनिशियल इंडिकेशन होता है, वो चेंज होते रहता है बैचेस, हमेशा वो चेंज रहता है. ओके. तो ये हो गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इसी पे ध्यान है और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना जितना हो सकता है. द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट मे रिक्वायर सम इनिशिएशन. एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी. मतलब चाय को ले आओ तो गर्म से ठंडी हो जाएगी तुरंत, बट उल्टा हो सकता है क्या कि तुम चाय लेकर आओ, अपने आप ठंडी चाय लेकर आओ, पूरा हीट लेके गर्म हो जाए? हो ही नहीं सकता. वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. गर्म चाय का ठंडा होना स्पॉन्टेनियस हो गया. मतलब जनरल प्रोसेस तुम वर्ल्ड में जो भी देखोगे तुरंत बोलोगे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस. मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, तुम्हें तो बस आइडियल गैसेस को कॉन्टेक्ट में लाना है. आइडियल गैसेस को नजदीक लाओगे बस वो अपने आप मिक्स हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं. गैस का एक्सपेंशन, गैस को यदि हाई प्रेशर पे है तुम छोड़ोगे तो अपने आप एक्सपेंड हो गई, तुम्हें कुछ करना ही नहीं. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? कैन बी एकम्प्लिश्ड
by performing work. ऑन द सिस्टम, इसमें लगातार वर्क करोगे तब वो परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम, तुम लगातार उस पर वर्क कर रहे हो तो कर रहा है वो काम, है ना, परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम. ओके, नन इज पॉइंट अगेन. जैसे फ्लो एग्जाम्पल, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो गया, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. हाँ, कंप्रेशन ऑफ द बॉडी, राइट, कंप्रेशन ऑफ द गैस, राइट, लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया, मतलब लो, जैसे रेफ्रिजरेटर वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा ही नहीं, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट भेजता है. एयर कंडीशनर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा ही नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर भेज रहा है ना. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर यूनिडायरेक्शनल. तो आज 5 to 7 इवनिंग में हम लोग का फिर से एक लेक्चर है, कल का कवर अप, यूनिडायरेक्शनल मेल्टिंग ऑफ आइस. एट रूम टेम्परेचर. द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases in a spontaneous process. Increases in a spontaneous process. इसको बताता हूँ, मुझे थोड़ा टाइमिंग चल रहा है कि और क्या रखना है. एक तो 5 to 7 हो गया आज, टुडे, है ना. मुझे फ्राइडे का टाइम बताओ तो, थर्सडे को तो मेरा 3 लेक्चर हो रहा, नहीं कर पाऊंगा. फ्राइडे को 2 लेक्चर है मेरा. फ्राइडे माई लेक्चर इज फ्रॉम 10 to 11:30 एंड इवनिंग में है एक बार 6 to 7:30. तो फ्राइडे में कंफर्टेबल हूँ लेक्चर लेने के लिए. 11:30 to 6 के बीच का मुझे टाइम बताओ. तुम लोग का लेक्चर 11 to 1 एंड 2:30 to 4:30 फ्राइडे. हाँ, ये भी कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने. फ्राइडे को इस आरजी लेक्चर को ही उस दिन नॉर्मल लेक्चर बना दो, क्योंकि सिलेबस में तो कुछ है नहीं, सब दिया हुआ है. अरे वाह, क्या मुझे से बहुत बढ़िया प्लान है. वेरी गुड सजेशन, अपना तो काम हो जाएगा फिर. फ्राइडे अपना लेक्चर टाइमिंग 5:30 to 7 है ना. सिक्स टू सेवन थर्टी नहीं होगा, क्यों? फ्राइडे मेरा लेक्चर है ना 5 to 5:30 to 7 है ना. हाँ, तो उस दिन 5 to 7 कर देता हूँ, है ना. सैटरडे अगेन आई एम वेरी बिजी विद द आईटी लीडर बैच एंड अनदर. वी हैव आल्सो 3 लेक्चर 11 to 1, 2:30 to 4:30 एंड बोर्ड लेक्चर. बोर्ड लेक्चर कब है आर्या? वो 8:15 है ना, तो ज्यादा पड़ जाएगा. बट अभी मेरे लिए इस बार तुम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा. हर बार तो इतना नहीं लेता, बट इस बार सिलेबस ज्यादा है. कभी कभी हो जाता है, थोड़ा ज्यादा पड़ गया सिलेबस. तो
ठीक है, जो नॉर्मल लेक्चर उसी को बना देता हूँ, एसआरजी वाला। एसआरजी वाला लेक्चर जो मेरा है 5:30 to 7 रहता है, वही रहेगा। ठीक है, हाँ एसआरजी का लेक्चर ही मेरा नॉर्मल लेक्चर हो जाएगा उसे, फ्राइडे 5 to 7:30, 5:30 to 7, क्योंकि एसआरजी में इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे असाइनमेंट भी, वो उसको कर लो। तो ये कल का लेक्चर हो गया, नॉर्मल आ गया, उसके बाद एक लेक्चर हम मैंने इस वीक एक्स्ट्रा लिया 5:30 to 7। ठीक है, अगले वीक देखेंगे, क्योंकि टॉपिक टफ है, तो जितना ज्यादा लेक्चर दे दो मेरे लिए अच्छा है। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स के लिए सपोर्ट करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे सबका बेनिफिट आता है उसमें। ओके देखो, हाँ अब चलते हैं। ये तो हो गया, एक तो हो गया टुडे 5 to 7। हाँ ये दो एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग रहेगा, आज शाम में 5 से 7 और फ्राइडे को 5:30 to 7। मैं मैसेज कर दूंगा ऐसे, फिर भी ये कंफर्म टाइम है। इक्विलिब्रियम कब स्टार्ट होगा? पहले तो बस करते जाओ, वो तो तुम बोलोगे तो मैं थ्योरी तुरंत तुरंत सब कर दूंगा, बट तुम्हें कितना समझ में आता उस पर डिपेंड करता है उस पैच में। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज इन स्मॉल, थर्मोडायनेमिक्स ही बड़ा है, इक्विलिब्रियम छोटा है, वो एक सेशन दो सेशन में पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब 4 आवर्स काफी होते हैं पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो 4 घंटे लेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम आधा ही दिया ना उन लोगों ने, हो जाएगा 2 घंटे में हो जाएंगे एक लेक्चर में। बट ये बड़ा टॉपिक है पूरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इजी है, बट थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट 2 कर रहे हो ना वो टफ है, सेकंड लॉ। ओके, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ले लो तो एंट्रोपी बढ़ती है। जनरल चीजें सोचो कि एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, जैसे बाल रोज कॉम करके आते हो, ऑर्डर करके आते हो, घर जाते जाते बाल पूरे बिखर जाते हैं, क्यों? इट वॉन्ट्स टू बी डिसऑर्डर्ड। डिफ्यूजन होता है, क्यों डिफ्यूजन होता है? गैस ऑर्डर्ड नहीं रहना चाहता तुम, तो उसको एक मान लो अमोनिया गैस लाकर रूम में ओपन कर दो तो ऑर्डर्ड एक जगह नहीं रहना चाहता, वो डिसऑर्डर्ड होगा, पूरे रूम में स्प्रेड होगा। रोज लोग सफाई करते हैं फिर भी शाम तक जाओगे पेड़ पौधे से पत्तियां लीव्स वगैरह सब आके ट्री से फॉल कर जाती है, मतलब सब पत्ती उत्ती गिर जाती है रोड पे ना, जो ट्री लिप्स गिरते हैं नीचे, वो क्या है सब? वो एंट्रोपी बढ़ ही तो रहा है। रूम को रोज क्लीन करते हो, किसी रूम को छोड़ दो तो कुछ समय बाद वो डस्टेड होते दिखेगा।
Okay. Spontaneous processes are irreversible also for the ignition, irreversible for after, irreversible after. नहीं नहीं वो तो केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज कहाँ से होगा? जिसमें केमिकल चेंज होगा फिर वो वापस नहीं आएगा. कई केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों होते हैं. वही केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग. कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस और कुछ इरिवर्सिबल. हम लोग जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हीट वर्क ये सब की. केमिकल रिएक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, कौन सा रिवर्सिबल होगा कौन सा नहीं. ओके, वेयर यू गो इन बिटवीन. सर अरे कॉल आ जाता है, कॉल आता है तो मेरा साइलेंट हो जाता है ना. कोई कोई कॉल आ जाता है फिर वो प्रॉब्लम करता है. द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होते जाएगा. जैसे मैंने नॉर्मल प्रोसेस बताया, जैसे मैं क्लासरूम में होता सब कुछ शांत है, जैसे ही बाहर जाओगे टीचर बाहर जाएंगे तो डिसऑर्डरनेस स्टार्ट हो गया. ऑर्डर करने में मुश्किल है. तुम बुक में सेल्फ में अपनी बुक को रोज अरेंज करोगे है ना, बट डिसऑर्डर अपने आप होता है. और लॉ ऑफ नेचर है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब डिसऑर्डरनेस एंट्रोपी इंक्रीज होता है. तो कभी भी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा है ना, तो पूरे वर्ल्ड की इंट्रॉपी लगातार बढ़ रही है. जैसे इंट्रॉपी को टाइम एरो बोल सकते हो, उसको देख के बता सकते हो. जैसे कोई रूम गंदा पड़ा हुआ है तो इंट्रॉपी कितनी बढ़ी है. अरे रूम को देख के बोलोगे कि इतना गंदा लग रहा है, 2 महीने से सफाई नहीं हुई, लग रहा है सालों से जो रूम बंद पड़ा हुआ है, ऐसे कई ईयर से बंद पड़ा हुआ है. उसको देख के मालूम चलता है कि उसकी मतलब इंट्रॉपी कितनी बढ़ी हुई है, उसको देख के तुम बताते हो टाइम क्या है. तो इंट्रॉपी को टाइम एरो भी बोल सकते हो. ओके, तो ये सब थियोरेटिकल पॉइंट होंगे सब. मेन जाते हैं अभी. Spontaneous process are always unidirectional. The entropy of universe increases in a spontaneous process and remains unchanged in the equilibrium process. यदि equilibrium process होगा तो entropy नहीं बढ़ेगी. जैसे कोई भी ले लो equilibrium में है कोई भी चीज, तो process हो ही नहीं रहा, तो उसमें entropy change नहीं हो रहा है. वो तो एक point पर रुका हुआ है ना. जैसे ice और water मान लो equilibrium में है, 5 ग्राम आइस 2 ग्राम वाटर मान लो इक्विलिब्रियम में, तो हमेशा उतना ही पे रहेगा. एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है. तो एंट्रोपी का क्या हो जाता है कि मतलब जैसे आइस से वाटर रहेगा, सॉलिड से कभी भी लिक्विड, लिक्विड से कैसे आओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी. कैसे? सॉलिड में सब कुछ ऑर्डर्ड है, लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल के बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स खत्म होता है, नीचे चला जाता है, टूटते जा रहा है. और गैस में एंट्रोपी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इधर से उधर मूव कर रहे हैं. तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे जाता है. सॉलिड में बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड हो गया. सोचो आयरन मेटल ले लो, सारा आयरन एटम एक दूसरे के आसपास फिक्स है, वो बस वाइब्रेट कर रहा है अपना पोजिशन में. लिक्विड में आयरन मॉलिक्यूल लिक्विड बनाएगा तो दूर तक जा सकता है, और गैस में तो पूरा यूनिवर्स मूव कर जाएगा वो. यही है ना. तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कभी बताओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा. और उल्टा किया तो गैस से लिक्विड, तुमने ऑर्डर किया था एंट्रोपी कम हुई, लिक्विड से सॉलिड बनाया एंट्रोपी और कम. आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा थोड़ा. अभी इसको डिटेल में जाते हैं थोड़ा. एंट्रोपी क्या उतना तो क्लियर हुआ ना. कैन एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज? हाँ ये तो बता दिया सब. एंट्रोपी इंक्रीज रिलेशन बिटवीन, हाँ वो सब आएगा अभी धीरे धीरे, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है प्रोसेस. ओके, क्लॉसियस इनइक्वालिटी. इस सबके नोट्स में भेज दूंगा लेक्चर को, हैंड रिटन नोट्स. फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्लॉसियस की इनइक्वालिटी है. क्लॉसियस ने इसको प्रूफ किया था. लेस देन जीरो फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस यदि तुम इसको डी क्यू बाई टी करोगे, मतलब हीट गिवन बाई टेम्परेचर,
उसमें इंटीग्रेट करते जाओ हर एक प्रोसेस है, जैसे इधर से इधर से इधर से इधर, यहाँ क्यू और इसका टी, क्यू बाई टी, यहाँ क्यू बाई टी, इसका क्यू बाई टी, इंटीग्रेट करते जाओ पूरे में, तो ये लेस देन जीरो आएगा। किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बट लेस देन जीरो आएगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्लॉसियस की एक इनइक्वालिटी है कि डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन ऐसे होता है, बट साइक्लिक ना रहे तो फॉर जनरल प्रोसेस नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, फॉर जनरल प्रोसेस नॉन साइक्लिक प्रोसेस डीएस इज इक्वल टू ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी, इक्वल टू फॉर व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर देन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, डीएस ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी, ऐसे। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस लेस देन जीरो, फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस डीएस इज ग्रेटर देन, फॉर जनरल प्रोसेस नॉन साइक्लिक, जनरल के लिए करोगे तो डीएस जो होगा चेंज इन एंट्रोपी वो ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी आता है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब क्लॉसियस का इनइक्वालिटी है जो उसने बताया। अब कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड मतलब कोई मतलब ही नहीं, सबसे कटा हुआ है, ना मास ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। डीएस सिस्टम जैसे थर्मोप्लास्ट था इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन फिर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा ये सब समझने में, है ना, और ये फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डीएस ग्रेटर देन जीरो है, ये उसने बताया। तो सिस्टम इज सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम ही हो गया ना। मान लो कि सिस्टम कुछ लेते हो, एक रूम ले लो और रूम के बाहर सराउंडिंग ले लो, तो रूम और सराउंडिंग दोनों मिला दो तो एक यूनिवर्स कहलाएगा, और यूनिवर्स एक खुद आइसोलेटेड सिस्टम है। तो फॉर यूनिवर्स क्या होगा? डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, हाँ यही मेन पार्ट था ये वाला, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन रेज नहीं होंगे इस पे, कोई क्वेश्चन नहीं, बस क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे इस पे, बस ये इनइक्वालिटी था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे अभी डिराइव कर रहे हैं हम समथिंग, उसके इनइक्वालिटी से समथिंग डिराइव करेंगे, उससे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले आएंगे, फॉर्मूला आएगा डेल्टा एस का निकालने का, उससे पे आएंगे, ये सब का थियोरेटिकल पार्ट है, तो ये सब उतना याद नहीं है तो भी चलेगा। इसमें क्या आ गया, उसने बोला कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब थोड़ा ग्रे एरिया है, कई जगह इनइक्वालिटी दिया ही नहीं है मैं, बट थोड़ा और बेसिक पे जा रहा हूँ, कई बुक में नहीं दिया हुआ, ये चीज मिलेगा ही नहीं, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो लिखा ना डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये लिखेंगे। हाँ तो ये फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यही था ना, ग्रेटर देन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो आगे जा रहा है उसका सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो हो गया, और इफ डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इन दोनों का मिलकर लेस देन जीरो हो जाएगा, देन प्रोसेस इज नॉट फिजिबल एट गिवन कंडीशन, मतलब कभी भी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज नहीं हो सकता। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का लेस देन जीरो होगा तो प्रोसेस होगा ही नहीं, किसी भी सिस्टम का ले लो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऐड करके यदि एंट्रोपी डिक्रीज होने की बात है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल प्रोसेस। ओके, अब यहां से डिफाइन करते हैं हम लोग एंट्रोपी, क्या है एंट्रोपी जो डिसऑर्डरनेस की बात करते हैं। तो एस क्या हो गया, इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब कितना डिसऑर्डर्ड है वो स्टेट फंक्शन है, देख के बता सकते हो। जैसे कि एक एक स्मॉल बॉटल में अमोनिया गैस ले लो, उसको बड़े बॉटल में डाल दो तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, स्मॉल बॉटल से बड़े बॉटल में गया तो वो मॉलिक्यूल को ज्यादा एरिया, ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है मूव करने के लिए, बट अब वो स्टेट फंक्शन है, किसी को इससे मतलब नहीं कि तुमने छोटे बॉटल से और बड़े बॉटल डाला, फिर और बड़े में डाला, फिर और बड़े में डाला, फिर फाइनल वहां तक पहुंचे,
स्टेट मतलब तो इनिशियल फाइनल पे आएगा ना, जैसे वाटर को मैंने बोला 70 डिग्री पर लेकर आओ, 25 डिग्री पे तुम्हें वाटर दिया, तुम 70 डिग्री पर लेकर आए, है ना, 25 डिग्री पे लिया था, तुम 70 डिग्री पे लेकर आ रहे हो, तो मुझे ये मतलब नहीं कि तुमने पहले 90 किया फिर कूल किया, बॉयल किया 100 डिग्री फिर कूल किया, स्टीम बना के कूल किया, या 25 से 35 ले गया, 45 ले गया, 75 ले, जैसे ले जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं बोलूंगा हाँ सबका 75 है, इतना एनर्जी चेंज, वो स्टेट फंक्शन था, यही था ना। तो एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है कि अच्छा एक बॉटल में था अभी एक पूरे रूम में फैला हुआ है ना, तो डिसऑर्डरनेस एक बॉटल से रूम के बराबर हो गया, बाकी कैसे कैसे डाला है बड़े बॉटल से छोटे बॉटल से बड़े में पाथ मतलब नहीं है, वो स्टेट्स मतलब। एंड ये बोला था जैसे ऐसे फंक्शन आएगा क्लियर होते जाएगा, अब एस वहां पे लिख दिया था कि स्टेट फंक्शन है, कैसे अब क्लियर हो गया, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ये, एंट्रोपी, अभी इंटेंसिव एक्सटेंसिव बताया था, उसको हाफ कर दो इमेजिनेशन में, अब सोचो कि क्या होगा, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कैसे भी आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आना इम्पोर्टेंट है, हाँ साथ तक वही था ना वो, इस पे क्वेश्चन कैसे रहे? अच्छा वो तुमने पहले पूछा था डीएस क्या, अच्छा उससे पहले का होगी, हाँ तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये सब किया था। एंट्रोपी इज बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ सिस्टम। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सिस्टम। एंट्रोपी सिर्फ यही मेजर करता है कि कितना एंट्रोपी कितना डिसऑर्डरनेस है, हाँ उसके एक अलग वे है जिससे मेजर करेंगे आगे। जैसे कि एक सॉलिड ले लोगे तो कैसा होगा, ऑर्डर्ड होगा परफेक्टली, ऐसे जो मैंने बताया सब ऑर्डर्ड है, और इससे जाओगे एक लिक्विड बना दिया तुमने तो थोड़ा सा मान लो वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसे रैंडम हो गया वो, और एक्स गैस बना दोगे तो बिल्कुल डिसऑर्डर ही रहता, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा था, ये मोस्ट ऑर्डर फॉर्म है और ये मोस्ट डिसऑर्डर फॉर्म है फॉर सेम मोल्स, क्यों, इन ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना मोल होगा उतना डिसऑर्डरनेस होगा, यही होगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रखे तो एक्स जो लिया था वो गैस का ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ एक्स गैस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ एक्स लिक्विड और दिस इज ग्रेटर देन एक्स सॉलिड, मतलब सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का, लिक्विड से ज्यादा गैस का होगा एंट्रोपी। तो इसमें क्या डाउट है, एंट्रोपी लिस्ट इन सॉलिड फॉर द सेम मोल्स राइट, आर ए यू डिड नॉट अंडरस्टैंड डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, आगे क्लियर हो जाएगा ये, अभी तो बस उसका इनइक्वालिटी है इतना समझ लो, कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का लेस देन जीरो हो गया तो प्रोसेस फिजिबल नहीं है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव कैसे हो गया, एंट्रोपी एक्सटेंसिव मतलब एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, अब दो बच्चे हैं क्लासरूम में तो डिसऑर्डरनेस थोड़ा कम होगा, मगर 100 बच्चों का एक क्लासरूम हो जाए छोड़ दिया जाए तो डिसऑर्डरनेस बहुत बढ़ जाएगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, इसलिए एक्सटेंसिव है, क्लियर ना, मतलब यदि तुमने वाटर 1 ग्राम को तुमने इवेपोरेट किया है तो इसका एंट्रोपी कम आएगा डिसऑर्डरनेस, बट 1 किलोग्राम का किया तो बहुत सारे वेपर आ जाएंगे। ओके तो फॉर सेम मोल क्योंकि एक्सटेंसिव था इसके लिए था। तो सॉलिड में चले जाए हम लोग, ये सब हैंड रिटन नोट्स में सब है, उसी से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, वो भेज दूंगा मैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, दो तरह का हो गया। तो क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड
in a definite geometry. और ये रैंडमली प्रेजेंट. और डेफिनेट में रहता और ये रैंडमली प्रेजेंट होता, यही है ना. ओके तो क्रिस्टलाइन मतलब होता है जो ऑर्डर्ड हो, एक सर्टेन ऑर्डर में हो, है ना. जैसे NaCl एक ऑर्डर है, Na+Cl- 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 तो एक क्रिस्टलाइन है. और जो ग्लास वगैरह होता है वो डिसऑर्डर होता है, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है. तो ये क्रिस्टलाइन है. जैसे मेटल ले लो कोई भी, सोडियम मैग्नीशियम, ये सब क्या होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे. इसके अरेंजमेंट एक डेफिनेट होंगे कि यहाँ यहाँ पे ही वो होगा. और रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, ये सब वो ट्रू सॉलिड भी नहीं बोलते हम लोग वो सब, तो वो खैर सॉलिड स्टेट हो गया. बस इतना समझो क्रिस्टलाइन मतलब डेफिनेट अरेंजमेंट. जैसे डायमंड डेफिनेटली बेटर अरेंज रहता है और ग्रेफाइट में रैंडमनेस ज्यादा होता है. तो डायमंड से ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगी, ग्रेफाइट का. उसमें तो वो कंडक्टिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो मूव करते रहते हैं. लेयर वाइज होता है, बेंजीन का लेयर बना दो, दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहता है, ऐसे होता है. तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो इसका डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो इसकी एंट्रोपी कम है, बट ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होगी. फेज चेंज होगा तो भी एंट्रोपी ज्यादा होगी. इस पे क्वेश्चन कैसा होगा, क्वालिटेटिव आएगा. डायमंड एंड ग्रेफाइट किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, सॉलिड लिक्विड गैस किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी. सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी ट्विस्टेड नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन. ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन के लिए आगे सब्सटेंस, जैसे एक्स लिक्विड से एक्स, सॉरी एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड जाओगे तो डेलेस इज पॉजिटिव, राइट. और एक्स सॉलिड से एक्स गैस जाओगे तो भी डेल्टा एस पॉजिटिव. और एस लिक्विड से एस एक्स लिक्विड से एक्स गैस जाओगे तो भी डेल्टा एस पॉजिटिव. सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस. हाँ नित्या बोलो, बताओ. हेलो सर, सो एक्चुअली आई हैड अ डाउट कि ग्रेफाइट का एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा है, राइट? एंड ग्रेफाइट इज मोर ब्रिटल देन डायमंड, सो ऐसे एंट्रोपी और ब्रिटलनेस का कोई रिलेशन है क्या? नहीं नहीं, एंट्रोपी और बिटरनेस, ब्रिटलनेस अरेंजमेंट पे डिपेंड है और ये अलग है. वो उसमें मत सर्च करो, किसी का मिलेगा किसी का नहीं मिलेगा, दोनों का अलग हो जाएगा. ओके, थैंक यू सर. ओके, हम लोग फेज चेंज की बात कर रहे थे ना. तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कभी भी गैस से आपको इधर बढ़ते जाएगा, ये होगा ना. अब लिक्विड से एक सॉलिड पे चले जाओगे तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव. जितना तुम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड लाओगे नेगेटिव. तो ये दोनों तो क्लियर हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस वाला और एक क्रिस्टलाइन एमोर्फस, क्लियर हो गया होगा. अब केमिकल रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे कि एंट्रोपी बढ़ रहा है कि नहीं. केमिकल रिएक्शन मतलब जितना गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ा उतना बढ़ेगा. मतलब इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो तो गैस का मोल बढ़ रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा. तो उसका डेल्टा एस क्या लोगे, पॉजिटिव. इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस. मतलब यदि ये आ गया तो डेल्टा एस निगेटिव, यही होगा ना. डेल्टा एनजी का यूज आया था ना कहीं, डेल्टा एनजी मतलब वहां बताया था ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी. हाँ डेल्टा एनजी बताया था, राइट, फर्स्ट फॉर्म. तो वही डेल्टा एनजी है जिसमें मोल गैसियस के मोल बढ़ गए वो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट. तीसरा केस हो गया. अब एक और आ गया, ये कहीं कहीं पूछेगा एडवांस में कभी. मोर एटॉमिसिटी, मोर मोलर मास, मोर एंट्रोपी. मतलब ओजोन्स का ग्रेटर होगा देन
ऑक्सीजन देन SO, इसको तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएट कर लो. ओजोन में डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा, एंगुलर शेप है, देन O2 देन O. SCO2 ग्रेटर देन CO, मतलब जितने ज्यादा एटम होंगे उतना ज्यादा उनका वाइब्रेशनल और दोनों के बीच में वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है ना. तो जितना मोलर मास, मतलब जितने एटम होंगे उतना ज्यादा एंट्रोपी. तो डायरेक्ट पूछेगा CO2 और CO में क्या है, तो तुम्हें ये पॉइंट याद है तब तो लिख दोगे, बट ये नोट्स बार बार रिवाइज नहीं किया हुआ है तो नहीं याद आएगा. नोट्स भी तुम्हें याद रखने हैं, और नोट्स मतलब 20% रिवाइज करते हो तो क्वेश्चन 80% रिवाइज करना है, क्वेश्चन मेन होते हैं. क्योंकि ये नोट्स में कितने भी पढ़ोगे एग्जाम याद नहीं आएगा, बट बुकलेट में जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है जब तुम रॉन्ग करोगे तब नोट्स रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा. SN2O5, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे कि किसका ज्यादा होगा. नॉर्मल बुक्स में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट जो अच्छी बुक्स है उसमें ये मिल जाएंगे, नरेंद्र बस्ती वगैरह में. ओके, तो यहाँ तक हो गया. इसमें कोई डाउट? अतः नेक्स्ट में करें हम लोग थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन. ये तो बस मॉलिक्यूल को देख के बता दिया, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या होगा. डीएस इक्वल टू, अब इस पे सारे हम लोग के क्वेश्चन आएंगे, इसको डिराइव करेंगे, डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी. अब डीक्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, क्यों क्या होता है, NCBDT ना, NCDT, तो वो तो खुद ही DT है और यहाँ पे T है, तो इंटीग्रेशन आएगा ना यहाँ पे. ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या है देखो, तो DQ यहाँ फिर से लिख देता हूँ. DS इक्वल टू क्या होता है, DQ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो दिया गया बाई T. DQ रिवर्सिबल क्या है, हीट एब्सॉर्ब रिवर्सल बिली, हीट एब्सॉर्ब रिवर्सबिली एट टेम्परेचर टी. अब AU सॉलिड हो गया 1 joule 300 kelvin पे, और गोल्ड ले लो वो 310 kelvin पे, तब 1 joule दिया, तो किसका चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आएगा. हाँ, इनवर्सली रिलेटेड पड़ गया ना, राइट. DS1 इज इक्वल टू 1/300, और यहाँ DS2 इज इक्वल टू 1/310. DS1 is greater than DS2. यही हुआ ना. ओके, तो ये हो गया एंट्रोपी का डेफिनेशन. DQ reversible by T, ये डिटेल में चलेगा, ये पूरा डिटेल करना. ये तो एक छोटा स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि अब मैं बात करूं कार्नोट साइकिल की. कार्नोट साइकिल बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इस पर एक फॉर्मूला आता है, बस वही पूछता है, बट ये इसको समझ लेते हैं. बट ये फिजिक्स में डिटेल में है तुम लोग का. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है प्रोसेस, और दूसरा है, चार प्रोसेस है इसमें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये भी एक्सपेंड ही होगा. ये एससी वर्मा बहुत अच्छे से दिया हुआ, एससी वर्मा Part 2 में, हीट में. Cannot cycle, isothermal expansion और reversible, तो ये common topic है इसमें, adiabatic expansion, but entropy वहां नहीं मिलेगा तुम्हें. Entropy हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वहां केवल definition होगा. Heat engine is cyclic operating, heat engine क्या हो गया, एक cyclic operating device based on Carnot cycle.
ओके डेरिवेटिव रिपीट हो गया क्या? हाँ वो अच्छा हाँ वो कंप्रेशन था दोनों बाद वाला, ये दोनों कंप्रेशन। पहले एक्सपैंड किया दो प्रोसेस से, और फिर दो प्रोसेस से वापस कंप्रेस करके आएंगे, तो फोर रिवर्सिबल स्टेप है इसमें। कौन कौन सा? ये पी हो गया, बी हो गया। पहले पॉइंट ए से जाएगा कहाँ पे? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल ऐसे जाता है हाइपरबोला, ये हाइपरबोला के एक छोटा पार्ट ले लिया मैंने, एडियाबेटिक थोड़ा स्टिप होता है, ऐसा होगा। ये दो एक्सपेंड हो गया, और फिर ये वापस कंट्रैक्ट होगा, फिर से आइसोथर्मल थे, इसका पैरेलल लाइन आएगी ऐसे, और ये इसके पैरेलल आएगी। तो ठीक से बना तो एकदम पतला सा ऐसे जाएगा, ए बी सी डी होगा। ये तो ऑलमोस्ट वर्टिकल बना दिया मैंने दिखाने के लिए। तो ये चार प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे मान लो पी वन वी वन था, यहाँ पे हो जाएगा पी टू वी टू, यहाँ पी थ्री वी थ्री, और ये होगा पी फोर वी फोर। आइसोथर्मल कौन कौन सा? आइसोथर्मल है तुम्हारा ए टू बी और सी टू डी। ए टू बी कौन सा हाई टेम्परेचर होगा? ये मान लो आइसोथर्मल हो गया इधर, ये एक टेम्परेचर आएगा और एक आइसोथर्मल का ये टेम्परेचर आएगा। तो ये टी टू ले लो, ये टी वन ले लो, कौन सा ग्रेटर होगा टेम्परेचर? पूरे ए से बी सेम टेम्परेचर है ना, पी वन वी वन पी टू वी टू, पी वी इक्वल टू एन आर टी ना, तो पी वी हाई तो टी हाई होगा, तो हाई टेम्परेचर है वो। हाँ टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो प्रोसेस में हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब इंटरनल एनर्जी तो बढ़ नहीं रहा, फिर भी गैस एक्सपैंड हो रहा है, तो मतलब गैस तो वर्क कर रहा है ना, गैस एक्सपैंड कर रहा है तो गैस वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है तो उसको एनर्जी कहां से मिली? वो हम लोग को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो तुम हीट दोगे वो पूरा वर्क डन कर जाएगा, तभी तो उसमें एनर्जी स्टोर नहीं हुई, तो आइसोथर्मल लग गया। यहाँ पे क्यू टू हीट एंटर किया, कंप्रेशन में क्या होगा? सी से डी, सी से डी पे जाओगे तो गैस कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होगा तो वर्क तो किया हम लोग ने, तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, बट टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो क्या करेगा वो उतना ही हीट बाहर निकाल देगा। तुमने 50 जूल वर्क किया और 50 जूल बाहर भेज देगा, टेम्परेचर सेम रह गया, तो वही क्यू वन यहां पर आ गया। यही हीट इंजन की बात कर रहे हम लोग, क्यू टू उसने एब्जॉर्ब किया, क्यू वन भेज दिया, तो वर्क डन कितना हो गया? क्यू टू माइनस क्यू वन वाला पार्ट पे आ गया ना इधर, उसको डिराइव करते हैं पूरे को अच्छे से। स्टेप वन पे चलेंगे हम लोग, तो स्टेप वन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्टेप वन डेल यू इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू वन प्लस क्यू वन इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू वन का वैल्यू माइनस क्यू वन इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ये तो डेरिवेशन है, ये तो याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, डेल यू जीरो डब्ल्यू वन इतना आ जाता माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। स्टेप टू की बात करें हम लोग, स्टेप टू में क्या जीरो होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यू जीरो होगा, डेल यू विल बी डब्ल्यू, और वो वैल्यू कितना था डेल यू और डब्ल्यू का? एन सी बी एम डेल्टा टी, याद है ना? हाँ तो डेल्टा यू टू विल बी राइट, डब्ल्यू टू इक्वल टू एन सी बी एम टी वन माइनस टी टू। अब इस ग्राफ को देख के मुझे स्टेप थ्री का बताओ क्या होगा, डेल्टा यू थ्री क्या होगा? स्टेप थ्री सी सी डी जीरो, और डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू थ्री कितना होगा फिर वर्क डन? हाँ माइनस क्यू वन, माइनस क्यू जो हो गया माइनस एन आर टी एल एन
माइनस एन आर टी एल एन वी फोर वाई वी थ्री ना, इस बार फाइनल वॉल्यूम वी फोर है, वाई वी टू वाई वी वन, अभी वी फोर वाई वी थ्री हो गया है ना, और डी सी ए में फिर एन सी वी एल एन टी टू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना लिखोगे, यहाँ टी वन माइनस टी टू था, वहां टी टू माइनस टी वन हो गया, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो करेंगे हम लोग, यही होगा ना, तो इसको अगले स्टेप पे करते हैं। सेट 12 अब स्टेप थ्री में जाएं, स्टेप थ्री तो देखा था तुम लोग को याद होगा, आइसोथर्मल पे फिर से डेल्टा यू थ्री जीरो है ना, डब्ल्यू थ्री विल बी माइनस एन आर, वहां टेम्परेचर कितना लिया था हम लोगों ने टी वन एल एन वी फोर बाई वी थ्री। स्टेप फोर पे जाओगे, ये भी एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक मतलब क्यू का वैल्यू जीरो हो गया, तो डेल यू फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर, ये हो जाएगा एन सी बी एम टी टू माइनस टी वन। नाउ डेल्टा यू टोटल इज इक्वल टू जीरो, साइड डी यू इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा तो W टोटल प्लस Q टोटल इज इक्वल टू जीरो। W टोटल प्लस Q टोटल इज इक्वल टू जीरो, ये होगा ना डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो। सब स्टेप को कर रहे हैं, चेंज इंटरनल एनर्जी टोटल का जीरो होगा, क्योंकि फिर वापस वहीं पे आ गया जो टेम्परेचर पे था, इंटरनल एनर्जी में तो चेंज हुआ ही नहीं। तो हाँ अनुष्का बोलो। मुझे स्टेप टू समझ में नहीं आया। स्टेप टू एडियाबेटिक था, एडियाबेटिक के लिए वर्क डन मैंने बताया था, डेल यू इक्वल टू क्या होता है एनसीवी टी वन माइनस टी टू, तो वही किया है ना स्टेप टू में। स्टेप टू एंड फोर एडियाबेटिक था तो उसका फॉर्मूला लगाओ, स्टेप वन एंड फोर में आइसोथर्मल है तो उसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला तो पुट किया मैंने। थैंक यू सर। हाँ ये डेल यू हो गया, डेल यू टोटल जीरो हो गया, डेल यू क्या होता है डब्ल्यू प्लस क्यू ना, तो सब ऐड कर दो एक साथ, तो इसमें क्या होगा क्यू टोटल का वैल्यू हो गया, टोटल क्यू टोटल कितना हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, ये था तब सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप में तो क्यू जीरो है, तो बचा तो दो ही था क्यू वन और क्यू टू, और डब्ल्यू टोटल, अब इसमें एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, बस अभी विद साइन लिखा हुआ, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर, बट डब्ल्यू थ्री और डब्ल्यू फोर, डब्ल्यू टू और डब्ल्यू फोर वॉक डाउन होगा एन सी बी डेल्टा टी होता, कैंसिल हो जाएगा ना, एक का था डब्ल्यू टी कितना था, ये एन सी बी एम टी वन माइनस टी टू, और एक कितना था एन सी बी एम टी टू माइनस टी वन, तो ये कैंसिल हो जा रहा है ना, तो बचेगा W1 प्लस W3, और W1 कितना था आइसोथर्मल का वर्क डन, जो फॉर्मूला तुम्हें याद है माइनस एन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन इसका आ गया, और ये माइनस एन आर टी एल एन वी फोर बाई वी थ्री, ऐसे स्टेप टू से देखोगे तो स्टेप टू क्या था एडियाबेटिक प्रोसेस था, तो वहां ये टी वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी टू वी टू रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन V3 थ्री रेस टू गामा माइनस वन, ऐसे कर सकते हो, V2 से V3 तक गया था ना, P1 V1 P2 V2 इधर P3 V3, बट यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर T2 था, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ T2 by T1 is equal to V3 by V2 रेस टू गामा माइनस वन। हाँ सोचो ये क्लियर है इतना,
ओके लुक्स लाइक ये क्लियर है ना. ओके अब इसको करें हम लोग फ्रॉम स्टेप फोर. एक और रिलेशन आएगा, ये सब डेरिवेशन है, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बट समझ में आ रहे थे डेरिवेशन ऐसा कि टू वी वन एस टू गामा माइनस वन. स्टेप फोर में टेम्परेचर तो दो ही था, और एक है टी वन वी फोर गामा माइनस वन. ऐसा ये टेम्परेचर का रेशियो कितना हो गया, वी फोर बाई वी वन एस टू गामा माइनस वन. अब v3 थ्री बाई वी टू वॉज इक्वल टू वी फोर बाई वी वन, या इससे लिख सकते हो वी फोर बाई वी थ्री इक्वल टू वी वन बाई वी टू. तो w टोटल जो हो गया, एक रिलेशन यहां पर भी आ गया माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन एल एन वी टू बाई वी वन. w टोटल बस इतना ही बच गया. अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, फिर मतलब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया. स्टेप सिंपल है देख लेना, बट नहीं याद है तो भी चल जाएगा. एफिशिएंसी का लास्ट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ कैर्नोट साइकिल. नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, नेट वर्क डन हम लोगों ने निकाला, ऐसा ही वी वन वी टू के टर्म में के सब कैंसिल हो जाए. वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाई हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. ये जो हो गया वो नेट वर्क डन जो अभी कैलकुलेट करके लाए हम लोग, एन आर टी टू माइनस टी वन एल एन वी टू बाई वी वन, इतना वर्क डन हुआ था. और जो हीट दिया था हम लोगों ने वो आ गया था एन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन. यहां से सब कैंसल हो गया, सिर्फ ये बच गया था. सिर्फ इतना डेरिवेशन का मतलब सिर्फ ये एक ऑब्जेक्टिव आता है एफिशिएंसी का, दोनों का टेम्परेचर दे देगा. सिंपल क्वेश्चन एकदम, टी वन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टी टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, बस यही एक क्वेश्चन आने वाला इतना डिराइव करके. तो 127 को और वो 2700 का डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाई फाइनल टेम्परेचर 400. केल्विन में बस कर देना, वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी एक आंसर देंगे कि अभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हो क्या, नहीं केल्विन में रखना होगा. तो डिफरेंस तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन सेम होता, वो चल जाएगा 127 माइनस 27 100, केल्विन में भी करके लाओगे तो 100 ही डिफरेंस आएगा बाई 400. डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, सिंपल सिंपल प्रोसेस करके यहां तक बस लेके आए, बस इतना ही. इसके आगे हम लोग का स्टार्ट होता है, इस पे बस एक सिंपल क्वेश्चन नहीं रह गया. तो डेरिवेशन ठीक है एक बार देख लो, बट मेन ये फॉर्म याद कर लेना, एफिशिएंसी एटा ये जो मैंने लिखा इक्वल टू टी टू माइनस टी वन बाई टी टू. नाउ थियोरेटिकली क्या हो गया, हाँ वो चारों याद रखना. प्रोसेस क्या क्या है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन उसका अपोजिट वाला, ये है ना. ऐसा थर्मल कंप्रेशन फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ऐसे ही था. तो थियोरेटिकली ये कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू टोटल वर्क डन का मॉडुलस जो भी रहे बाय क्यू टू जो हीट गिवन था. तो ये कितना आ गया था, क्यू टू प्लस क्यू वन बाई क्यू टू. अब ये विथ साइन है, अभी ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, Q2 प्लस Q1 में लिख रहा हूँ तो फिक्स है कि इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव है. तो कौन सा पॉजिटिव है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो Q2 पॉजिटिव था और हीट ये बाहर जा रहा था, ये निगेटिव है, यही है ना. तो ये विथ साइन है. ओके अभी क्या हो जाएगा, हाँ क्यू वन इज निगेटिव, इतना हो गया Q2 प्लस Q1 बाई Q2. बट इससे हम लोग को डिराइव करना है इसलिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ. ये हो गया T2 माइनस T1 बाई T. एफिशिएंसी क्या होगा, जीरो से वन के बीच में होगा,
एफिशिएंसी 100% वन मतलब 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा ना. फॉर न्यूमेरिकल्स क्या करना है, तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एटा का वैल्यू बस T2 माइनस T1 बाई T2 और ये हो गया Q2 माइनस Q1 बाई Q2. बस ये याद होगा डिफरेंस बाई दिस हो गया. अभी यहाँ पे ये भी पॉजिटिव ले रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब मॉडुलस ले रहे हैं ना हम लोग. अब परसेंट एफिशिएंसी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, बस यही आने वाले हैं, बस इतना सा हो जाएगा. ये मीन्स में तो एक क्वेश्चन देंगे ही, बस ये फॉर्मूला पुट करना आ जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक साल बाद ये फॉर्मूला भी याद नहीं रह जाता. अभी तेजी लग रहा है ये फॉर्मूला, फ्लो में हो, बाद में फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा. देखना करना सिंपल ही चीज है, टेम्परेचर का डिफरेंस बाय दिस. फिर भी कुछ फॉर्मूला था ऐसे याद आता है, अरे कुछ तो था. क्लियर? ओके, तो नाउ हम लोग कह रहे हैं ओके क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इन इक्वालिटी. इनको थोड़ा दूर कर दोगे तो अलग हो जाएगा, क्लॉसियस इन इक्वालिटी. तो अब ये एटा का जो वैल्यू था वो था Q2 प्लस Q1. अच्छा फ्लो में दो लेक्चर और है तो फ्लो में हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई T2. अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2. अब ये हो गया Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल टू 0. ऐसे इसको प्लस रखा, बट ये याद रखना Q1 पॉजिटिव था, Q1 नेगेटिव था, Q2 पॉजिटिव था, सॉरी Q1 नेगेटिव था, यही था ना. अब इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों का ऐड करके 0 आ रहा है. क्लॉसियस इनइक्वालिटी में DQ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पूरा रिवर्सिबल ही लिया था उसने. ये चारों प्रोसेस तो रिवर्सिबल ही है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, पहला दोनों एक्सपेंशन बाकी दोनों कंप्रेशन. उसका इनइक्वालिटी तो यही था ना कि सम करके क्या हो गया, रिवर्सिबल के लिए 0. स्टार्टिंग में लिखवाया था, अभी याद नहीं होगा तुम लोगों कि वो मैंने बोला था कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस क्लॉसियस का एक इनइक्वालिटी है, कई जगह दिया भी नहीं है ना. हाँ तो उसने जो दिया था कि इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, ये रिवर्सिबल मतलब ये साइक्लिक रिवर्सिबल जो प्रोसेस हो गया ये 0 हो गया है ना. इसका मतलब इसको जब तुम ऐड करोगे, समेशन कर दोगे, ओके 5 DQ रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू 0. ऐसा अब इसी टर्म को DS बना दिया गया, इसी को DS इज इक्वल टू 0 कर दिया गया जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी में आया था. और DS को ही बोल दिया गया कि DQ रिवर्सिबल बाय T लेंगे हम लोग. तो इतना क्लियर है ना अभी? ओके तो फॉर इररिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, और इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, एचआ इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस. ऐसे ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1 बाई Q2, यहाँ पे T2 माइनस T1 बाई T2. ऐसे रिवर्सिबल के लिए क्या था, इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस की ज्यादा होती है. क्यों, नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम.
तो इरिवर्सिबल वर्क डन कम होता है, वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. ये एक स्टेटमेंट था जो मैंने बोला था, लर्न कर लेना. यहाँ Q2 प्लस Q1 ये तो स्टेप लिखा ना अभी, ये जो होगा Q1 बाई T1, ये सब डेरिवेशन चल रहा सिर्फ भाई. Q2 बाई T2 इज लेस देन जीरो इसके अकॉर्डिंग. अब समेशन DQ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, बाई T इज लेस देन जीरो. वहां रिवर्सिबल था इक्वल टू जीरो आएगा, है ना, साइक्लिक प्रोसेस का हो गया, तो समेशन करोगे तो जीरो होगा, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन जीरो आएगा. इसका मतलब ये साइक्लिक रह गया DQ, तो इरिवर्सिबली जो दिया गया है प्रोसेस बाई T, ये लेस देन जीरो आएगा. इधर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों कर दिया हम लोगों ने. ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस क्या डिराइव हो गया, साई DQ बाई T इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यही इसका इनइक्वालिटी था, रिवर्सिबल प्रोसेस और लेस देन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो DQ बाई T इक्वल टू जीरो, सबको सम करके ले आओ तो जीरो आ गया. अभी आया था ना किसका, हम लोग ने किससे प्रूफ किया, कार्नोट साइकिल से पूछ अभी प्रूफ किया ना कि DQ बाई T का समेशन कितना आ गया, जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो, राइट. और एक हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए तो उसको एफिशिएंसी से किया कि एफिशिएंसी रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, तो उसके थ्रू अभी जो यहाँ पे लिखा अभी मैंने उसका DQ लेस देन जीरो आ गया. तो ये दो पॉइंट याद कर लोगे, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा. कभी आया तो जल्दी आता नहीं, कभी पूछे कि DQ बाई T क्या होता है, इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल, लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल, एंड रिजल्ट तो याद रहना ही चाहिए. ओके फॉर अ नॉन साइक्लिक, बहुत डिटेल में नोट सही है, जिसको दो चार बार पढ़ोगे तो क्लियर होगा, है ना, क्योंकि जनरल बुक में इतने सारी थियरी नहीं मिलेगी तुम्हें. फॉर अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जनरल प्रोसेस लो, जैसे कि ए से बी जा रहा, तो ए से बी तुम ऐसे इरिवर्सिबल ले लो और बी से ये ए ले लो ऐसे आ रहा है रिवर्सिबल, नॉन साइक्लिक हो गया. जैसे ए से बी रिवर्सिबल ले गया या बी से ए रिवर्सिबल लेकर आ गया, तो अब ए से बी जो आएगा वो कैसा गया, इरिवर्सिबल गया. तो DQ यहाँ पे हिट क्या होगा, इरिवर्सिबली जो दोगे वो रिवर्सिबल क्यू अलग होगा, इरिवर्सिबल अलग होगा. ए से बी जाओगे तो DQ बाई T प्लस, जब इधर आओगे बी से ए दूसरे प्रोसेस में, यहाँ रिवर्सिबल दिया गया तो DQ रिवर्सिबली बाई T, तो ये लेस देन जीरो है, यही है ना. ऑफिस से कॉल आ रहा है, एक मिनट.
हाँ डी क्यू रिवर्सिबल बाई ये बी से क्यू रिवर्सिबल लेस देन जीरो होगा, ये होगा ना। हेलो एडवांस में है ना, अजीब सा सिचुएशन है, लोगों को लग रहा है कि मैंने अचानक एल एन छोड़ दिया है, कॉल किए जा रहे हैं सब, हद हो गया यार, मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ कि मैं एल एन क्यों छोड़ूंगा, नहीं रहूंगा हमेशा। अफवाह मतलब कोई भी कुछ भी फैला देता है। सुबह से कितना, ये चौथा कॉल है ना, हाँ चौथे कॉल है सुबह सुबह, सबको लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया। एल एन एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता लाइफ में। वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस कंपनी, तो वाई टू लीव दिस कंपनी, नो वन विल लीव, पता नहीं यार, तो ठीक है इसी के लिए किसी ने एक अफवाह फैलती है लोग कॉल करते हैं, मतलब आज दिन भर मुझे सब तंग करेंगे फोन कर करके। हाँ रूमर्स ऐसे ही, मनोज सर ने छोड़ दिया, अरे क्यों छोड़ू भाई, 3 साल से एल एन में हूँ अभी, इससे पहले मैं पेस में था, पेस की कंडीशन ऐसी मुझे लगी और यहाँ पे एल एन देखा कि आगे बढ़ रहा है एल एन में, अच्छे एडमिशन सारे एल एन में आ रहे, तो एल एन में आ गया था मैं। फिर कभी भी पढ़ाना, थोड़े अच्छे बच्चों को पढ़ाना हमेशा प्रिविलेज होता है, वो अच्छा लगता है कि मेहनत करो रिजल्ट आता है, अदरवाइज यू बिकम डीमोटिवेटेड। रिमर्स ये पता है और सब मेरे, या ये हो सकता है ना मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, तो 3 दिन से हॉस्पिटल से फिर वो लेक्चर नहीं ले पाया शायद, इसके लिए ऐसा लगा होगा। कल तुम लोग का भी नहीं ले पाया था और भी लेक्चर नहीं ले पाया शायद, इसलिए भी होगा कि कैंसिल कर रहे हैं, तो कुछ होगा पता नहीं, रूमर्स ऐसे फैल जाता है। बट अभी भी कंडीशन तो सही नहीं है, बट कम से कम लेक्चर ले ले रहा हूँ, मजाक क्या होगा किसी ने, चलो करने दो मजाक, अपना काम है ध्यान नहीं देने का। तो ये बहुत ही अच्छा वाला कंसेप्ट है, सब पे ध्यान देना है। डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ए से बी गए और बी से ए आओ तो रिवर्सिबल हो गया, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, बट ओवरऑल प्रोसेस था इरिवर्सिबल, एक भी इरिवर्सिबल आ गया था, इरिवर्सिबल आ गया था, लेस देन जीरो पे लिया हम लोगों ने। अब ये ए से बी आ जाओगे, डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, और ये बी से ए, ये डी एस है लेस देन जीरो, एस तो स्टेट फंक्शन है ना, तो डेल्टा एस ए बी को तो माइनस डेल्टा एस बी ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन है। तो ये ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी माइनस ये डी एस हो गया, ए से बी इज लेस देन जीरो, ये ऐसा हो गया। तब ये डीएस क्या आ गया तुम्हारा, ए से बी है मैं ऐसे हम लोग करें, तो डीएस इज इक्वल टू ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, ऐसा आया ना, डीएस ए से बी इज ग्रेटर देन डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, एक डेरिवेशन आ गया ना अपना। हाँ तो डीएस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी, और ग्रेटर है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस और इक्वल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, यही हो गया ना डीएस। अब ये चीजें अब तुम्हें थोड़ा सा माइंड ऑफ हो रहा होगा कि सब क्या हो रहा है, पर ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल चीजें आएंगी। इक्वल कब था, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और ग्रेटर कब था, हो गया यहाँ नहीं आएगा, इसको यहां से हटा देता हूँ। हाँ तो यहां से आ गया ना, इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन जीरो आ गया और इक्वल टू के लिए रिवर्सिबल के लिए इक्वल आया था, यही था ना। तो डी एस इज डी क्यू बाई टी, ऐसा आया ना, फॉर इक्वल कब आएगा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर कब आएगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे ये डिराइव कर दिया हम लोगों ने। जैसे कि एक ले लो हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, मान लो कि एक 300 केल्विन पे है और एक इसको हाई पे ले लो, 310 केल्विन पे ले लो और एक 270 केल्विन पे ले लो, इधर से इधर हीट जाएगा, Q1 हीट निकला, Q1 इसमें एंटर किया, तो इसका डेल्टा कितना हो गया, प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे जा रहा था, इरिवर्सिबल हो गया ना।
डेल्टा एस क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो ना, देखो ग्रेटर देन जीरो आएगा क्या, सपोज क्यू वन इज इक्वल टू वन जीरो, हीट बाहर गया इसका, तो कितना होगा माइनस माइनस वन जूल डिवाइडेड बाई 310, क्यू इज निगेटिव ना, एज इट गोज आउट बाहर गया ना, और डेल्टा दूसरे का कितना होगा, डेल्टा एस टू हीट इन साइड आया कितना वन जूल ना बाई टेम्परेचर 270, तो डेल्टा एस टोटल कितना हो गया इस इरिवर्सिबल प्रोसेस से। एग्जाम्पल मान लो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ये लिया, तो मैंने लिख तो दिया डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, आ रहा है क्या, ऑफ कोर्स आ रहा है, पॉजिटिव आया ना, अब वही रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए, मतलब ये दोनों 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे हीट रेडिएशन इधर से इधर क्यू चला भी जाए तो उतना ही क्यू इधर आ भी जाएगा, तो डेल्टा एस कितना होगा, एक का होगा क्यू बाई 300 तो दूसरे का होगा माइनस क्यू बाई 300, बस जीरो आ गया। मतलब जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो कि एक टेबल और चेयर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो दोनों यदि 30-30 डिग्री पे हैं फिर भी रेडिएशन होता है, चेयर से टेबल की ओर यदि वन जूल गया तो टेबल से चेयर की ओर वन जूल आएगा, सच अवे की टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, रेडिएशन होते रहते हैं ना, बट वो बैलेंस रहेंगे एक दूसरे को, जितना उधर से उधर एनर्जी गया उतना इधर से उधर आएगा, जैसे आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है तो कुछ आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा तो कुछ वाटर फिर से आइस बन जाएगा, बट हमेशा तुम्हें यदि 50 ग्राम वाटर है तो 50 ग्राम वाटर मिलेगा, 20 ग्राम आइस है तो 20 ग्राम आइस मिलेगा, तो यही हुआ ना। हाँ, तो जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया तो डेल्टा एस इज जीरो, और इरिवर्सिबल हो गया तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, यही था ना, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो एंट्रोपी जीरो होगी। क्लियर हो गया अभी ये पॉइंट, सबको क्लियर है, हैवी टॉपिक है।